तो ये देखिए यहाँ पर हम आपको आज इस तरीके का कुछ केक बनाकर बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस केक बनाएंगे आज हम। और तो शुरू से लेकर एंड तक की हमारी आज की रेसिपी को देखते रहिए और इंजॉय करिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द वीएस किचन। आज हम आपको बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बताने वाले हैं जिसका नाम है एगलेस टूटी फ्रूटी वनीला केक। तो चलिए एगलेस टूटी फ्रूटी वनीला केक बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने वनीला केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन आज हम एक अलग तरीके से वनीला टूटी फ्रूटी वनीला केक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मोल्ड, इसको हमने पहले ऑयल से ग्रीस किया, उसके बाद हमने इसको मैदा से डस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मैदा का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा जो मोल्ड है केक बनाने का वो रेडी है। तो अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल, इसके अंदर हम डालेंगे एक कप मैदा। एक कप मैदा डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे, छानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने तीनों चीजों को अच्छे से छान लिया है। अब हम इन्हें साइड कर देंगे और अपने जो वेट इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक बॉल, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप डालेंगे पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। को भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसके बाद जो हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रखा था उसको मिक्स करेंगे। मिक्स हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके करना है। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसके बाद सारा। इसको मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, यहाँ पर हमने दूध लिया है 1/2 कप। थोड़ा सा दूध डालेंगे इसके अंदर, इसको मिक्स करेंगे। इसी तरीके से हम अपना सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है, जो हमारी मैदा है, उसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी मैदा को मिला दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो मोल्ड में ट्रांसफर करने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे टूटी फ्रूटी। यहाँ पर हमने रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ली है, इसको हमने थोड़ा से मैदा से कोट कर दिया है ताकि जब केक राइज हो हमारा तो ये टूटी फ्रूटी नीचे ना बैठ जाए, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा मैदा मिला दिया है। तो इसको डाल देंगे हम केक के अंदर, इसको 1 से 2 बार मिक्स करेंगे और मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे बैटर को मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इवन हो जाए, टैप करेंगे 2 से 3 बार। इसी बीच हमने अपना अवन भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चेरी डाल देंगे टूटी फ्रूटी,
तो ये देखिए यहाँ पर हमारा केक राइज होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा वेनिला एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम इसकी साइड्स भी हटा लेंगे, साइड्स वैसे पहले से ही हट चुकी हैं। ये देखिए हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम इसको 2 लेयर्स में कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपने केक को 2 लेयर्स में कट कर लिया है। इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको भी हम कट कर देंगे क्योंकि थोड़ा हार्ड है। तो यहाँ पर हमने ऊपर का जो हार्ड पार्ट था उसको भी हटा दिया है। अब हम सबसे पहले ये हमने लिया है केक बोर्ड, इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम जिससे हमारा जो केक है वो हिले नहीं। व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हमने बताई हुई है। फर्स्ट लेयर रखेंगे केक की, इसके ऊपर हम डालेंगे दूध। यहाँ पर हमने दूध में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिलाया है और दोनों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम लगा दी है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे सेकंड लेयर। अब हम इसको सारे को व्हिपिंग क्रीम से कोट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम से पूरे केक को अच्छे से कोट कर दिया है। यहाँ पर हमने जो व्हिपिंग क्रीम है वो एकदम सही तरीके से नहीं लगाई है क्योंकि हम इसको पूरे को अच्छी तरीके से डेकोरेट करने वाले हैं जिससे पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ली है व्हिपिंग क्रीम, इसके अंदर हमने पिंक कलर मिला दिया है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी कलर मिला सकते हैं। और यहाँ पर हमने ली है 5 नंबर की नोजल स्टार वाली। तो चलिए अब डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने केक को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अगर आपके पास सिल्वर बॉल्स हैं इस तरीके की तो आप इसको इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं सिल्वर बॉल्स। तो यहाँ पर हमने सिल्वर बॉल्स को भी अच्छे से लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एगलेस टूटी फ्रूटी वनीला केक बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी आज की ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल द वी एस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।